दे, हो सकता है ना करे, हो सकता है कि उल्टा जो है ना वो जाने के लिए खुद ही राजी हो राजी भी जाए, हो जाए। जो भी। लेकिन ओ तो अभी एंड हो सकता है कि किसी ने मुझे मैसेज किया ना कि हाँ जो है ना अगर अच्छा नहीं एंड हुआ दोनों का तो अपने लिए सिक्योरिटी रख लेना। तो मुझे याद आ गया, यही धमकियां मुझे गुलेराना में मिली थी। ओह माय गॉड। उसमें तो बहुत ज्यादा मिली थी, हाँ क्योंकि एंड मैंने एंड उसमें वो में सेपरेशन इनकी दोनों की दी, बिल्कुल। हालांकि राइटर ने सेपरेशन हाँ मैंने हाँ बना दी थी। हाँ तो इसलिए जो भी धमकी या जो भी मुझे हाँ गुस्सा लोगों ने किया वो मुझ पे किया, तो आई वही नो। चीजें फिर तो आ रही हैं। तो ओके लेकिन देखते तो हैं क्या होता है। स्क्रिप्ट के बारे में कुछ बैकग्राउंड बताएं कि जब आपके पास सबसे पहले स्क्रिप्ट आया जंजबील जंजबीर राइटर के नाम है, सो उन्होंने जब आपको दिया तो पहली थॉट आपको क्या आई, आपको क्या एक्साइटमेंट थी अच्छा, उसको मैं शूट बिल्कुल करने की? एक सच्ची बात कहूँगा, ये मुमल भाभी को पता है। और तकरीबन मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ के मैंने कहा सिंपल है, जो कि शायद मुझे किसी ने कहा कि आजकल जो है ना ड्रामे जो चल रहे हैं वो बहुत ही, यानी कि जिसमें कुछ ना कुछ हैपनिंग हो। इनोवेट। ये मैंने कहा हाँ सिंपल है, लेकिन मैंने जितने अब तक स्क्रिप्ट पढ़े हैं उन उनसे अच्छा लगा, अच्छा लगा। क्या जितने वो भी एक आते चीज थी जो आपको पकड़ी गई और आपने? इसमें। एक जो सिंपल लड़की के हल्ला गुल्ला, एक लड़का और लड़के दोनों के, बस यही छोटी छोटी हाँ बातें। सिंप्लिसिटी बहुत है इसमें। हाँ हाँ अब ये बताएं कि सिंप्लिसिटी के साथ इन दोनों के एक्सप्रेशंस बहुत वो हैं, इनकी हर चीज़ डायलॉग्स जो हैं बहुत पावरफुल यस हैं, बट जो यमुना के एक्सप्रेशंस हैं, उसके जो अदाएं हैं, उसकी जो आंखों से वो जो बात कर रही है, एंड द बैकग्राउंड स्कोर। तो मुझे ये भी बताया कि आप बीच में, हमने एक जगह सुना था कि बैकग्राउंड स्कोर कम करवा दिया गया, बट एज मी फरा माई सेल्फ आई लव इट विद द बैकग्राउंड स्कोर, कि वो जो एक्सप्रेशंस उनके चल रहे हैं ना, वो बहुत पावरफुल हैं। सो हाँ उसके बारे में कुछ बताएं कि वो अच्छा, क्यों ट्वीट नहीं किया गया। कम नहीं, इस तरह नहीं होता। 10 साल पहले की बात है, मैं बेसिकली शॉर्ट फिल्में करता था, यस देखा ना, जैसे मैं कारा में विन भी की और इस तरह की चीज़ें। तो मेरा पहला सीरियल था संजा, ठीक ओके है, जो आप पहला। रेशम वाला हाँ, बता क्योंकि रहे हैं। उससे पहले मैं जो ना 3-4 अवार्ड, तो एक तो इंटरनेशनल ले चुका था, लेकिन सीरियल नहीं करता था मैं। सीरियल पहली दफा संजय किया तो मैंने उसमें म्यूजिक नहीं रखा, अच्छा तो रेटिंग कम आई तो म्यूजिक मुझे कहा गया कि म्यूजिक जितना, क्योंकि अब ये ड्रामा है टीवी पे चलना है, तो म्यूजिक इसका जो हाँ है अगर आप रखेंगे तो बेहतर चीजें होती हैं, नहीं तो बेहतर। फिर तो वहां से फिर एक म्यूजिक का सिलसिला चलता रहा। लेकिन मेरा बस चले तो मैं म्यूजिक ना रखूं, तो आपका बस चले तो म्यूजिक ना बहुत रखें। कम बहुत कम। ओके जैसे 26 में आपने गौर किया होगा, इसमें अभी वाला जो बीच, एपिसोड हाँ जो हमने अभी देखा। बीच बीच में आपको एक खामोशी भी मिली है, यानी कि रोने देने सीन में हाँ आपने ये बिल्कुल गौर नहीं किया होगा, क्योंकि बिल्कुल दायरे जब इन्वॉल्व होता है तो रोने म्यूजिक पे नहीं देखो। जाता कि इतना। हाँ आपने देखा इसमें कहीं कहीं पे लाइट सा एक वायलेंट चला है, और रोने वाले सीन में म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक नहीं है। नहीं है, क्योंकि ये फेड आउट फेड इन चल रहा है, खामोशी, फिर एक म्यूजिक फिर थोड़ा सा आया, हाँ फिर एक खामोशी। मेरा ये है, ये है। ओके ठीक है, मुझे ओके बेसिकली तो म्यूजिक डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्योंकि टीवी पे लोग देखने वाले म्यूजिक, तो ठीक है हम लोग कर वो रहे होते हैं। ओएसटी कितनी पावर आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो गई है कुछ अरसे से, कि हाँ ओएसटी जब स्टार्ट होता है और ओएसटी जब आता है तो वो लोगों की इट प्ले इट जस्ट यू नो प्लेज अराउंड एक बैकग्राउंड स्कोर आपके दिमाग में, और इतना लोग उसको रिलेट करते हैं कैरेक्टर के बिल्कुल साथ रिलेट करते हैं, कि बिल्कुल वो उसके अंदर बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अब मैं जाके, मेरा दिल चाह रहा है मैं जाके वो दोबारा से सीन देखूँ अगले आपको एपिसोड से खामोशी पहले मिलेगी, कि आपको खामोशी मिलेगी हाँ वो इसमें। देखें आपको रोने दीवाने सीन में भी आपको म्यूजिक हाँ नहीं मिलेगा, कुछ जगहों पे है, कुछ बहुत सारी जगहों पे नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अच्छा, जाहिर है एक ओएसटी अगर देखा जाए ना, मैं अपनी सोच बदलकर बताऊँ, मैं तो इस पे हूँ कि वैसे तो पैकेज होता है, ठीक है, सारी चीज़ें ये, बिल्कुल लेकिन सीन जानदार होने चाहिए। म्यूजिक अगर उससे सीन अच्छे होते हैं तो फिर इसका मतलब सीन अच्छे नहीं है, टोटली म्यूजिक ने उठाया है। बिल्कुल ये भी सही बात कह रहे हो। ओएसटी से अगर ड्रामा उठे तो इसका मतलब ओएसटी निकाल दो तो फिर तो ड्रामा आपका
ठीक है ये है पॉइंट भी नोट, तो ये तो ठीक है ये, क्योंकि फिर मैं कहता हूँ पैकेज है पूरा एक म्यूजिक और स्टिक, ठीक है। ये रिसेंटली बना है, ये पहले नहीं था, पहले नहीं था कुछ साल नहीं। देखिए पहले एक ड्रामा है जो कि भूलता नहीं है, तन्हाइयां नहीं कभी हम खूबसूरत है, अच्छा नहीं यार नूर का गाना, अच्छा हाँ ओके, रात का आदमी मेरा फेवरेट है, मैं नाम उसका तीसरा किनारा, हमारे का तीसरा किनारा, ओके। ये खैर वो तो मेरा फेवरेट, अगर कोई पाकिस्तान में है तो रात का आदमी है या सायरा का आदमी, रात का आदमी, और ये ड्रामा तीसरा किनारा या परछाई जो उसका उनका पहला। अब ओएसटी अगर देखा जाए तो वो बचपन में, वो अभी तक कानों में है, कभी हम खूबसूरत, उसकी सिर्फ एक म्यूजिक जो है ना स्टार्ट होता था और बस म्यूजिक के साथ है ये कुछ ऐसा कनेक्शन कि वो आपकी यू नो इट कनेक्ट्स, तो वो एक कनेक्शन जिंदगी है। बहुत सारी फिल्में सिर्फ म्यूजिक की वजह से, बिल्कुल। सो मुंशी वाला जो सीन, मुंशी साहब वाला जो सीन है, ठीक है, द डेथ सीन, तो वो एक्चुअली ही इज ऑन द बेड एंड एंड बीइंग इन इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, अच्छा खासा मुश्किल, उसको देख के हम हिल गए सब लोग। सो उस वक्त वो शूट करने में क्या वो क्या मुश्किलात आई, किस तरह हुआ, एक टेक में हुआ, रोल पे चल रहा था और सीन्स हो रहे थे, बिकॉज वो बहुत वही जैसे आप कह रहे हैं तो खामोशी एंड एक्सप्रेशंस में ही वो रहा है वो सीन पूरा, अच्छा खासा लेंथी था। देखें मैंने नोट किया तो शायद 9 मिनट्स का सीन था हमारे तकरीबन। हाँ देखें मुझे याद है जब भी मेरे घर में कोई किसी कोई चला गया या दुनिया से, तो मैं बर्दाश्त नहीं होता था, मैं भाग जाता था घर से मैं भाग जाता था, यानी कि हम टीवी पे जो चीज दिखा रहे हैं वो चीज है जो कि बंदा भाग जाए, रोना धोना मुझसे, अच्छा मैं तो कभी नहीं देखता रोने देने वाला या ये जो डेड बॉडी डिप्रेशन है। अब जाहिर करना तो है, ठीक है, और किए भी हैं, तो फिर एक दिन में चीज आई कि क्यों ना इसको जो है ना बिल्कुल एक फीलिंग्स के साथ, अच्छा उसके लिए मैं आपको अगर सच्ची ईमानदारी से बात करूं, क्योंकि यमुना को पता है और जो भी सरा है या है। तो इसके लिए ना मुझे मैं जाके बैठ गया पीछे एक साइड पे आके बैठ गया और चीज़ें सोच सोच के ना, क्योंकि इसमें जाहिर उसने राइटर ने बड़ा अच्छा कंगी वाला जो रखा हुआ था, वाला, बहुत अच्छा टच था। अच्छा अब इसमें जाहिर डायलॉग्स मेरे ख्याल नहीं थे, वो एंड में यमुना ही एंड में बिल्कुल जाते जाते बोलती है तो फिर नहीं नहीं वो इसमें डायलॉग्स नहीं थे, ये जो डायलॉग्स है ये हुआ कि मैं जाके बैठा तो फिर कुछ चीजें जाहिर है मेरे साथ जो हुई हैं बिल्कुल थोड़े अरसे में, बिल्कुल मुझे बस वो एक लाइन है शुरू में ये आए कि देखना अल्लाह मेरे को कहना कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता या उसके लिए उसके पॉइंट आदमी रह नहीं सकता, तो अल्लाह मैंने कहा मुझे भी बुला ले और जल्दी बहुत, बुला ले बहुत वो मैं क्या करूंगा इस घर में, ठीक है। अच्छा फिर दूसरा यह कि मैंने इसको इमरान को कहा कि इसको जब उठाने लगे तो चीखना चला।